नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। तो मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया टॉप 10 खबरों की ओर रुख करने का। तो शुरू करते हैं टॉप 10 खबरों का सिलसिला। पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर के खिलाफ मानहानि केस करेंगे पुणे के डीएम। एयर इंडिया के विमान से लाए गए भारतीय उच्चायोग के 190 कर्मचारी। शेख हसीना के करीबी प्रोड्यूसर और फिल्म स्टार बेटे की पीट पीट कर की गई हत्या। बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ रोकने मणिपुर के कुछ जिलों में लगाया गया कर्फ्यू। दिल्ली सीएम केजरीवाल की एलजी को चिट्ठी का 15 अगस्त को मंत्री आतिशी फहराएंगी झंडा। केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। दिल्ली कोचिंग हादसे में बिल्डिंग के मालिकों की जमानत अर्जी पर आज होगी सुनवाई। नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का नेता चुना गया। विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में घोषित किया गया अयोग्य। मंदिर तोड़े जा रहे निशाने पर हिंदू एकजुट होकर लड़ना होगा बांग्लादेश के हालात पर बोले सीएम योगी। टॉप 10 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।